press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे कि एक मूवी रिलीज हो रही है जिसका नाम है हम दो हमारे 12। और जैसे इसका ट्रेलर रिलीज हुआ उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो गई है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की दो बहादुर और सशक्त मुस्लिम महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे अंबर जैदी जी को, जो कि एक जबरदस्त पत्रकार है, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हम सबकी चहेती हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िल अली खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। मैंने आपके साथ ही वो सेशन किया था कि कॉफी विद करण और कलेश विद करण स्टार्ट हो चुका है और बेहूदगी का नंगा नाच करण जौहर बैठ करके करते हैं। आपकी और हमारी और कंगना रनावत की अंग्रेजी का मजाक वो बड़े आराम से उड़ाते हैं। भाई हम फॉरेन एक्सपर्ट नहीं है, हम फॉरेन से पढ़ करके नहीं आए हैं। हमारी हमारी अंग्रेजी में भी हिंदी की शब्दावली टच होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नंगा नाच भी करिएगा अपने कॉफी विद करण पे और उसके बाद फिर हम जैसे शिक्षित महिलाओं का आप मजाक भी उड़ाइएगा। पर वो भी बैन नहीं हुआ, बैन नहीं हुआ। यहां तक कि वो मैटर मेरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक गया, सर्वोच्च न्यायपालिका तक गया, लेकिन वो बैन नहीं हुआ। और जब जब भी द केरला स्टोरी, 72 भूत, अजमेर 1992, जब ऐसी सब्जेक्टिव मूवी जो सत्य के आधार पर बनी हुई होती है, जो एक ट्रू इंसिडेंट एक्सीडेंट पर बनी हुई होती है, जिसके वाकई में कई डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे न्यायपालिका के अंदर होते हैं, जिसका प्रूफ होता है, बस उस पर कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायपालिका को एक अजीब सी बेचैनी आ जाती है। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि सर्वोच्च न्यायपालिका के जजेस हाथ में संविधान लेकर बैठे होते हैं और इंसाफ करते हैं, या हाथ में अलकुरान लेकर के बैठ करके इंसाफ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोगों को सर्वोच्च न्यायपालिका हाथ में कुरान लेकर के जाना चाहिए, संविधान लेकर के नहीं जाना चाहिए। और जब नासिर खान बलात्कार करे तो अल कुरान के हिसाब से वो वर्सेस बता करके इस्लामिक पनिशमेंट दिलवाना चाहिए। जब आफताब श्रद्धा को सेक्सुअली कई साल यूज करने के बाद उसकी 35 बोटियां फ्रिज में रखे, तो इस्लामिक वर्सेस और आयत बता करके सर्वोच्च न्यायपालिका के जजेस को उसको इस्लामिक पनिशमेंट हम लोगों को दिलाना चाहिए। कम से कम हम मुसलमान बेटियां तो ये कर सकते हैं, जो हम लोग जो लीगली बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम लोग तो ये काम कर सकते हैं। क्योंकि अब जब सर्वोच्च न्यायपालिका अल कुरान के हिसाब से अपने जजमेंट को दे रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुसलमानों के गुनाह, मुसलमानों के अश्लीलता पर, मुसलमानों के पाप पर, मुसलमानों के क्राइम पर उनको पनिशमेंट भी इस्लामिक तरीके से मिलनी चाहिए। एंड वी आर कैपेबल के हम जज को अरबी में ट्रांसलेट करके बता सके, अरबी टू इंग्लिश, के इस गुनाह पर अल कुरान पे अल्लाह तबारक ताला के हिसाब से ये पनिशमेंट दिया गया है तो दिया जाए। अनु कपूर की मैं तारीफ करना चाहूंगी, क्योंकि इस मूवी की मैंने टीजर देखी है और अभी भी मेरे फोन पर है और डायरेक्ट बॉम्बे से आई है मुझे इस मूवी की टीजर। अगर आप चाहें तो मैं अभी आपको दे भी सकती हूँ। तो इस मूवी की जो टीजर आई है ना, जो महिलाएं वाकई में जिन्होंने 10 बच्चे, 12 बच्चे, 9 बच्चे, 8 बच्चे, 5 बच्चे, 20 बच्चे पैदा किए हैं, और जो वाकई में चार चार बीवियां, पांच पांच बीवियां एक साथ रह रही हैं, उनके दिल को टच किया होगा उस टीजर ने, उनके दिल को टच किया होगा। मुझे याद है अंबर, मैं कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कहीं पर डिस्कस नहीं करती हूँ, पर आज मन कर रहा है करने का, ताकि मुसलमान बेटियों का आंख खुले। मुझे याद है कि जब मैं विडो हुई और मेरी शादी की एक महीना 28 दिन के बाद, 26 या 28 दिन के बाद ही मैं विडो हो गई थी, तो मेरे घर मेरे लिए रिश्ता आता था 50 साल के आदमी का, 62 साल के आदमी का भी मेरे पास, मेरे घर पे मेरे वालिद के सामने बैठे हैं वो, और कहे हैं कि अब तो बेवा है और पेट से भी है, बच्चा गिराना भी नहीं चाहती है, तो उनसे शादी कर दीजिए, दो बीवियां हैं, रह रही हैं, ये भी रहेगी साथ में। तब मेरे पापा ने कहा कि बेटा तय कर लो कि अपने लिए शौहर चाहिए या अपने बाप के लिए दोस्त चाहिए, या तो करियर बना लो और या तो फिर अपने शौहर के नाम पर अपने बाप के लिए एक दोस्त ले आओ। और तब मैंने उनसे बोला कि अगर आप रेडी हैं तो फिर मैं आगे पढ़ाई करती हूँ, बच्चा अपना बड़ा करूंगी, लेकिन मैं शादी अब नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये 62 साल के आदमी को मैं अपना शौहर कैसे मान सकती हूँ, कैसे पॉसिबल, कैसे हो सकता है? और मेरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया और दोबारा उन्होंने मुझे, वो दिन था और आज का दिन है
कि मेरा बेटा 15 साल का हो गया माशाल्लाह, लेकिन मेरे मेरे घर वाले ने मुझसे एक लफ्ज भी नहीं कहा कि अब शादी कर लो। हालांकि मैं कर सकती हूँ, अब मैं बिल्कुल आजाद हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि फिर वही होगा जो मैं देखना नहीं चाहती हूँ। और अब मैं गुस्से में आ जाऊंगी, ये मैं एकदम साफ कह रही हूँ कि तब तो मैं शांत रही, तब मैं चुप रही, लेकिन अब तो शायद मैं थप्पड़ वप्पड़ उठा दूंगी 62 साल के आदमी पर कि तुमको आने से पहले सोचना चाहिए कि सामने वाली लड़की की उम्र क्या है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी अंबर कि अल्लाह ने बिल्कुल कहा है अल कुरान के, मैंने जितने वर्सेस आपको बताए हैं उस वर्सेस में बिल्कुल कहा है कि देने वाला अल्लाह है, खिलाने वाला अल्लाह है, पालने वाला अल्लाह है। तो मेरा सवाल ये पैदा होता है कि आज मुसलमान फिर ये क्यों छाती पीट रहे हैं कि वो गरीब है? आज पाकिस्तान हाथ में भीख का कटोरा क्यों लिया हुआ है? आज जो गरीब झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, जो नाले में और गटर के पास झोपड़ी बना करके रह रहे हैं, वो ये क्यों कह रहे हैं कि सरकार हमें नहीं देखती है? आप घर सरकार से ले रहे हो, सब्सिडी सरकार से ले रहे हो, हम टैक्स दे रहे हैं उसका मुफाद आप उठा रहे हो, आप 5 वक्त नमाज भी पढ़ रहे हो, तो फिर आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि आपसे पाकिस्तान के मुसलमान से और भारत के मुसलमान से अल्लाह भी नाराज हो गया है? भाई लोगों के हिसाब से, मुसलमान समाज के ठेकेदारों के हिसाब से हम बागी मुसलमान हैं, मैं और आप बागी मुसलमान हैं, या हम जैसे संवैधानिक विचारधारा वाले बागी मुसलमान हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में हम दो बहनें वकील, एक बहन MBA, माँ टीचर, पिता एक छोटा मोटा बिजनेसमैन, हम 5 लोग कमाते हैं और एक आदमी मेरा बेटा खाता है, और 5 साल के बाद वो भी कमाएगा। तो आखिर हम भी वही 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, हम भी वही 30 रोजा रख रहे हैं, तो हम क्यों इतने सक्सेसफुल हैं? इसकी वजह है कि कुरान के पहला वर्ड इकरा को भी हम मान रहे हैं। इसकी वजह यह निकल रही है कि कुरान का पहला वर्ड जो इकरा मतलब तालीम है, हम उसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं, तभी जा करके हम सक्सेसफुल हैं। हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी तो वही चारकुल पढ़ करके हम भी अपनी नमाज अदा करते हैं, और जो चारकुल पढ़ करके वो मुसलमान अदा कर रहे हैं जो आज भी छाती पीट रहे हैं कि वो गरीब है। आप अपने बच्चे को मदरसे की पढ़ाई क्यों करवाते हैं? आप अपने बच्चे को स्कूल की पढ़ाई क्यों नहीं करवाते? अब आती है बात कि अंबर मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे ऑफिस से मात्र 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, यहाँ पर एक 5 साल की बच्ची का वर्जाइना ब्लेड से काट करके उसका बलात्कार एक सामने के मुस्लिम बस्ती के एक मर्द ने किया, वर्जाइना ब्लेड से काट कर। आज भी मुझे वो दिन याद आता है अंबर, तो मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं सो नहीं पाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है कि भाई साहब तुम कौन सी दुनिया में हो, तुमको 5 साल की बच्ची के वर्जाइना में सडक्शन, मतलब कैसे सेड्यूस हो जाते हो, तुम कैसे हो जाते हो? अब उसके बाद फिर आप सोचो कि मटिया ब्रोच में मैंने एक केस देखा था, मटिया ब्रोच का, एक मेंटली चैलेंज लड़की थी और बगल का पड़ोसी था, वहां पर 3 मर्द रहते थे, पिता, बेटा और मामा, और तीनों उस मेंटली चैलेंज लड़की का कंटिन्यू बलात्कार करते थे, और एकदम करीब उसकी फाइल आज भी मेरे पास है, मटिया ब्रोच में, जगह भी बता रही हूँ, कैलकटा का कोर्ट एरिया, कंटिन्यू बलात्कार करते थे, और वो मेंटली चैलेंज लड़की उम्र के सिर्फ 13 साल में प्रेग्नेंट हो गई, ना बच्चा बचा ना लड़की बची। कौन से अल कुरान के मानने वाले हैं आप लोग? कौन से इस्लाम के मानने वाले हैं आप लोग? एक बच्ची का पूरा रिपोर्ट मैंने आपको भेजा है, मेरी क्लाइंट है, मैं उसके केस देख रही हूँ। बहरैन में ले जाकर के इस हिंदू बेटी को इसने मुसलमान बनाया। अब वो वीडियो चलाई है जिसमें उसको मुसलमान बनाया जा रहा है। ये भारत का मुसलमान है जो लड़की को उठा करके बहरैन ले जाता है और वहां पर मुसलमान बनाता है। देखिए किस तरीके से मुसलमान बनाया जा रहा है। आप वो वीडियो मैंने आपको भेजा होगा अंबर। जी मेरे पास है वो। जी आप बिल्कुल वो चलाइए, ताकि मैं चाहती हूँ कि जनता देखे। It's
देखा तो ये बिल्कुल हमारे व्यूअर्स ने देखा और इसमें क्लियरली सब देख सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंबर सैदी जी और नाजिर लाइखा जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे आपने देखा भारत की बेटी नाजिर लाइक खान जी ने हम दो हमारे 12 मूवी के बारे में बात की और कैसे शांति दूत इस मूवी को लेके इतनी ज्यादा तकलीफ और परेशानी में कि उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। पर हम देखते हैं जब भी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी होती है तो हमारा कोर्ट जो है वो उसको संज्ञान लेता है, संविधान को साइड पे कर देता है और कुरान को हाथ में पकड़ लेता है। पर ऐसी कोई कंट्रोवर्सी अगर हिंदू समाज या हिंदू समाज के खिलाफ कोई मूवी बनती है तब हमारा जो कोर्ट है वो चुप्पी साध लेता है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।